नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे ब्यूटीफुल गार्डन में। दोस्तों, दिन का समय है और पूजा के लिए फ्लावर्स लेने आई थी, तो देखिए कौन कौन से फूल खिले हमारी बगिया में, वो मैं आपको दिखा रही हूँ। डबल पेटल की चांदनी की बर्ड काफ़ी टाइम से बनी है, लेकिन अभी फ्लावर्स नहीं खिले हैं। बेबी सनरोज़ में प्यारे से छोटे छोटे फ्लावर्स आते हैं। ये है मेरा मोगरा का प्लांट, जिसे मैंने कुछ समय पहले रिपोर्टिंग किया था। देखिए अभी इसके जो छोटे छोटे प्लांट्स, पता नहीं ये कटिंग्स ग्रो हुई हैं या जड़ से अलग से निकल के आ रहे हैं, क्योंकि मैंने इसे पूरी तरह ओपन नहीं किया था। जो भी हो, कुछ समय बाद हमारा ये जो प्लांटर है ये पूरी तरीके से हरा भरा हो जाएगा, क्योंकि इसमें भी नए नए शूट्स निकल के आ रहे हैं। आज मैं आपसे अपने उस प्लांट्स के बारे में बात करूँगी जो है तो ईजी टू ग्रो और काफ़ी हरा भरा भी हमारी बगिया में बना रहता है, लेकिन प्रॉब्लम तब आती है जब उस पर बर्ड बन जाती है और हम वेट करते हैं, क्योंकि जो बर्ड का साइज़ है वो धीरे धीरे बिग होता है, लेकिन जैसे ही कलियां खिलने को होती है वो पूरी तरीके से झड़ जाती है। तो ये दोस्तों, ये है हमारा डबल पेटल वाला हिबिस्कस। तो अगर इस प्लांट की बात करूँ तो ये 3 साल पुराना प्लांट है और फर्स्ट ईयर तो बहुत छोटा था, क्योंकि 10 रुपीज़ का मैं इसको लेके आई थी। तब इसने धीरे धीरे ग्रोथ करके प्लांट मेरा बहुत हेल्दी सा हो गया, लेकिन पिछले साल भी इसमें प्रॉब्लम ये रही कि जैसे ही बर्ड बनती थी वो अपने आप ही गिर जाती थी। तो दोस्तों, अब मुझे, मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने इस प्लांट के साथ ये किया वो किया, लेकिन हाँ, जब इस प्लांट्स का पूरी तरीके से मैंने देखा कि हम सभी प्लांट्स की तरह इसकी केयर कर रहे हैं, लेकिन फिर भी ये प्लांट मेरा थोड़ा सा नखरीला प्लांट है, तो मैंने इसको इसके हालात पर छोड़ दिया। और मैंने सोचा जब इसमें फ्लावर्स होंगे, तो इसका आज की डेट में ये हाल है कि अगर इसमें 3-4 बर्ड बनती है तो उसमें से 1-2 तो गिर जाती है, लेकिन कोई कोई बर्ड इसकी सक्सेसफुल हो जाती है। तो दोस्तों, यही है आज मेरे गार्डन का राजा। और मैं पूजा के लिए फ्लावर्स लेने आई थी, लेकिन इसको देखकर मैंने इसको नहीं तोड़ा। मैंने सोचा पहले छोटी सी वीडियो बना लूँ, क्योंकि बहुत मुश्किल से जो चीज़ हमें मिलती है तो हम चाहते हैं कि हमारी याद में, हमारी वीडियो में उसे हम कैप्चर कर लें। तो अगर आपके प्लांट्स पे भी इस तरीके की प्रॉब्लम हो रही है, तो कुछ ऐसा नहीं है कि आप इसको अलग से एक्स्ट्रा केयर कीजिए, बस थोड़ा सा वेट कीजिए। और जिस तरीके से हम हिबिस्कस प्लांट्स की केयर करते हैं उस तरीके से हम करेंगे, तो ऐसा नहीं है एक समय आने पर इसकी जो फ्लावरिंग है, हालांकि इसमें बर्ड बहुत सारी बनती है, लेकिन सभी बर्ड जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाती। तो दोस्तों, मेरा तो यही एक्सपीरियंस है इस प्लांट के साथ, और बहुत ही खूबसूरत सा फ्लावर है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, और जुड़े रहिए आगे आने वाली वीडियो से। बाय एंड टेक केयर।